टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम की 15 सदस्यीय टीम का हुआ ऐलान। टीम देखकर भड़क उठे पूर्व कोच रवि शास्त्री, टीम चयन को लेकर के दिया बड़ा बयान। जानेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम और साथ में जानेंगे क्या कहा रवि शास्त्री ने। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए संजू सैमसन को मौका दिया जाना चाहिए था तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। टी20 वर्ल्ड कप 2022 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। आपको बता दें टी20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का चयन कर लिया है। बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया है, साथ में 4 खिलाड़ियों को बतौर स्टैंडबाय खिलाड़ी चुना गया है। भारतीय टीम में ज्यादातर उन्हीं खिलाड़ियों को चुना गया है जो हाल ही में एशिया कप में खेले थे। स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को टीम से बाहर रखा गया है तो दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की भारतीय टीम में वापसी हुई है। एशिया कप में खराब प्रदर्शन के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय टीम में हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम का चयन होने के बाद रवि शास्त्री का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें रवि शास्त्री ने टीम चयन को लेकर के अपनी निराशा जताई है। रवि शास्त्री ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि एशिया कप में खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मोहम्मद शमी, दीपक चाहर या फिर संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रवि शास्त्री रवि बिश्नोई को लेकर के भी काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि एशिया कप में एकमात्र मुकाबले में रवि बिश्नोई ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसके बावजूद उन्हें किस वजह से बाहर किया गया है ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या टी20 वर्ल्ड कप 2022 में मोहम्मद शमी और दीपक चाहर के अलावा रवि बिश्नोई को शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।